यूपी में घटते जनाधार और दलित वोट बैंक पर जंग के साथ ही बसपा के लिए चुनौती बढ़ गई है। मायावती सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। ऐसे में मायावती ने आरक्षण को बड़ा मुद्दा बनाने की रूपरेखा बनाई है। कोटे के अंदर कोटा यानी उपवर्गीकरण के फैसले को लेकर पार्टी दलित संगठनों के साथ 21 अगस्त को पूरे 35 साल बाद सड़क पर उतरने जा रही है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को सब कैटेगरी बनाने का अधिकार राज्य को दे दिया है। साथ ही एससी एसटी आरक्षण के क्रीमी लेयर लागू करने पर भी जोर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने इस फैसले को लेकर दलित संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान कर रखा है, जिसमें बसपा प्रमुख मायावती का भी समर्थन अब मिल गया है। वहीं बसपा के सभी कार्यकर्ताओं और नेता देश भर में भारत बंद आंदोलन में शामिल रहेंगे। बसपा के नेता और कार्यकर्ता करीब 35 साल के बाद सड़क पर उतरने जा रहे हैं, जिसे पार्टी की राजनीति का नया अध्याय और टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। आपको बता दें, बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर और मायावती के सियासी उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने ऐलान किया है कि 21 अगस्त के भारत बंद में बसपा के झंडे नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एससी एसटी समाज में काफी गुस्सा है। अदालत के फैसले के विरोध में हमारे समाज ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है। हमारा समाज शांति प्रिय समाज है, हम सबका सहयोग करते हैं, सबके सुख दुख में हमारा समाज शामिल होता है, लेकिन आज हमारी आजादी पर हमला किया जा रहा है। वहीं 21 अगस्त को इसका शांतिपूर्ण तरीके से करारा जवाब देना होगा। आकाश आनंद ने कहा कि बसपा के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर सुप्रीम कोर्ट के एससी एसटी आरक्षण के वर्गीकरण के फैसले का विरोध करेंगे। हमारी मांग है कि एससी एसटी आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में डाल दी जाए। बसपा के कार्यकर्ता और नेता देश भर के अलग अलग स्थानों पर भारत बंद में शिरकत करेंगे, अपनी अपनी तहसीलों में एसडीएम को ज्ञापन देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आरक्षण पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। उसके बाद से ही हमारी नेता मायावती एससी एसटी के आरक्षण के वर्गीकरण के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। 21 अगस्त को समाज के द्वारा हो रहे भारत बंद आंदोलन में हम सबके साथ हैं और पार्टी के सभी कार्यकर्ता अनुशासन में रहकर राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन देंगे। आपको बता दें, क्या है बसपा की रणनीति, आखिरकार मायावती किस तरीके से इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी रणनीति बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपको बताया, आकाश आनंद की घोषणा और बीएसपी के समर्थन ने सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। पार्टी एससी एसटी आरक्षण के कोटा में कोटा बनाने का फैसला और उसके सियासी मुद्दा को लेकर बनाने में अब जुट गई है। आरक्षण के मुद्दे को उठाकर बसपा प्रदेश भर में संगठन को मजबूत करने की तैयारी में जुट गई है। वहीं बताया, बसपा की राजनीति करने का तरीका देश में दूसरी सियासी पार्टियों से बिल्कुल अलग है। बसपा के संस्थापक काशीराम ने बसपा को कैडर बेस और पार्टी के काम करने की मशीनरी मैकेनिज्म को बनाया था और उसी तरीके से काम कर रही है। बसपा ना तो मीडिया के साथ सरोकार रखती है और ना ही सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करती है। ऐसे में माना जा रहा है कि मायावती ने इस बार के उपचुनाव में अपनी जो राह है वो कहीं ना कहीं बेहद मुश्किल कर ली है, क्योंकि इस बार का जो समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है उससे माना जा रहा है कि अब यूपी में घटते हुए जनाधार और दलित वोट बैंक पर जंग के साथ ही बसपा के लिए चुनौती बढ़ गई है। मायावती सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। ऐसे में मायावती ने आरक्षण को बड़ा मुद्दा बनाने की रूपरेखा तो बनाई है, लेकिन कोटे के अंदर कोटा यानी वर्गीकरण के फैसले को लेकर जमीनी स्तर पर सियासी माहौल बनाने की भी रणनीति चल रही है। वही इतिहास को मायावती फिर से दोहराना चाहती है। क्या इतिहास के बल पर उनको किसी भी तरीके की सफलता मिल पाएगी या फिर लोकसभा चुनाव की तरह उनको करारी हार का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में 432 सीटों पर मायावती ने अपने उम्मीदवार तो उतारे, लेकिन उसका कोई फायदा देखने को नहीं मिला।